भले ही लोकसभा चुनाव बीत चुके हों और उसके परिणाम आ चुके हों, लेकिन इसका खुमार अभी तक उत्तर प्रदेश से उतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐसे लोग हैं जो मोदी सरकार की जीत को पचा नहीं पा रहे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आजकल उत्तर प्रदेश में अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो है दिनेश लाल यादव निरहुआ की। जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ की लगातार चर्चा बनी हुई है और अब ये खबर आ रही है कि भले ही लोकसभा चुनाव में रवि किशन और मनोज तिवारी ने भारी बहुमतों से जीत हासिल की है, निरहुआ के हिस्से में जो आजमगढ़ में 3 लाख वोट आए वो इन सब पे भारी है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की ये पहली यानी कि पहली मर्तबा वो चुनाव लड़ रहे थे और जिस तैयारी से वो लड़ रहे थे वो काबिले तारीफ था। अपनी शूटिंग छोड़कर भाषणों के लिए प्रिपेयर होना ये कोई आम बात नहीं है। आज में बीजेपी की तरफ से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। आपको ये बता दें कि निरहुआ की इस हार को योगी ने एक बहुत बड़ी जीत बताया है, क्योंकि उनके मुताबिक जिस गढ़ में निरहुआ उतरे थे उसे फतेह कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि ये तो समाजवादी पार्टी का ही गढ़ था। लेकिन जिस तरह से निरहुआ लड़े वो किसी धुरंधर योद्धा से कम नहीं था। निरहुआ द्वारा किया गया प्रचार प्रसार किसी काबिले तारीफ से कम नहीं है। उन्होंने 2 महीने के अंदर में अपना सब कुछ समर्पित किया और आजमगढ़ की रूपरेखा बदली। भले ही उनकी हार हुई हो, लेकिन उन्होंने पार्टी को एक करारी जीत दिलाई है उत्तर प्रदेश में। कहा तो उन्होंने सपा का ध्यान भटका दिया और सारे लोग जुट गए आजमगढ़ की चुनाव प्रचार में ताकि अखिलेश यादव की नैया पार लग सके। और इसी बीच अखिलेश यादव के परिवार के 2 लोग बुरी तरह से हार गए। अब चाहे जो भी हो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरहुआ द्वारा लिए गए उनके फैसले को हमेशा सराहनीय बताएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।